दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि अभी तक की अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग सही कर पाएंगे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। गुलबदन बेगम पुत्री थी, ये किसकी पुत्री थी दोस्तों, ये आपको बताना है। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था। तो शासक बनने के बाद दोस्तों 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? राइट आंसर रहेगा जहांगीर, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान दोस्तों कौन सा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा असीरगढ़ विजय, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, शेर शाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कोषाध्यक्ष, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, मुगल काल में निम्न बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा सूरत को, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। दोस्तों शेरशाह के बचपन का नाम था, तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, फरीद खां, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, 6000 क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी मास्टर पीडीएफ है, इस मास्टर पीडीएफ में आपको हर एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके सब कुछ मिल जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ में दोस्तों अभी डबल ऑफर चल रहा है, एक तो आपको 500 रुपये की ये पीडीएफ केवल 150 रुपीज़ में मिल रही है, साथ ही साथ 2023 की करंट अफेयर भी इस पीडीएफ के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, यानी कि ये ऑफ़र कभी दोबारा आने वाला ऑफ़र नहीं है और बहुत ही लिमिटेड समय के लिए है। इस मास्टर पीडीएफ को आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसके लिए आपको लूसेंट या उसके इक्विवेलेंट कोई बुक पढ़नी पड़ती है तो ले सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हर एक स्लाइड में नीचे की साइड लिखा हुआ मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1576 में। और इस हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर रहेगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा छठे क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अबुल फजल और फैजी, यानी कि बी और सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर रहेगा सरकार के नाम से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, दयशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो नौवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये संबंधित है टोडरमल से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दसवां, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा मालवा विजय से, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा दसवें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ग्यारहवां क्वेश्चन है, अकबर ने किसे
कविराज या कवि राय की उपाधि दी। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताइए दोस्तों, बीरबल को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए भाई, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करते रहिए। 12वां क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम थी। देखिए, हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम था दोस्तों, ये जरूर याद रखना है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? दोस्तों किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो राइट आंसर रहेगा गुरु टेग बहादुर जी के, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन का सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो शाहजहां ने किया था दोस्तों, यानी कि 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। 15 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ग्वालियर में, यानी कि 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा शामुगढ़ का युद्ध, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 16वें क्वेश्चन का सही उत्तर। दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो 17वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा जहांगीर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, 17वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने अशर्फी रुपया दान नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं? 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा सोना चांदी तांबा, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ये आपको जरूर याद रखना है। 19वां क्वेश्चन है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? कालिंजर अभियान के समय में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा, 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? और प्यारे दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस एक साथ देखनी है तो आप यूट्यूब पर सर्च करना ओनली टॉप स्टडी हिस्ट्री प्लेलिस्ट, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है प्लेलिस्ट के वो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा शाहजहां के शासन का एक राज्य के इतिहासकार, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 21वां क्वेश्चन है, शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, यह जागीर थी? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा सासाराम या सहसाराम, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा, 22वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 23वां क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा मीर बख्शी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, 23वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 24वां क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा हजरत ए आला, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा, 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। 25वां क्वेश्चन है,
मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? दोस्तों दसवंत इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा भाई, ये भी आपको याद रखना है। 26वां क्वेश्चन है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, तो राइट आंसर रहेगा बाबर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 26वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 27वां क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम दोस्तों पुत्री थी किसकी? बाबर की, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा 27वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों 28वां क्वेश्चन है, शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा 28वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी याद रखना है। 29वां क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों रहेगा दारा सिको, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा 29वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। 30वां क्वेश्चन है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा जहांगीर, यानी कि 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों 30 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और शेर शाह के बचपन का नाम क्या था ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, 5 स्टार की रेटिंग करना, उसके बाद में आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर की PDF और YouTube की कई फ्री PDF मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों 6000 क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी मास्टर PDF है, इस मास्टर PDF में हमने हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है, और ये 500 रुपये की PDF आपको मात्र 150 रुपीज़ में मिल रही है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये सभी सब्जेक्ट सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इस PDF को ले सकते हैं। इस PDF पर 70% का ऑफ है, और करंट अफेयर 2023 की PDF फ्री दी जा रही है, और स्टैटिक GK की भी PDF आपको इसी PDF में फ्री दी जा रही है, यानी कि आप इस PDF को लेकर के अलग से कोई PDF या कोई भी अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस PDF का, क्लिक करिए, पेमेंट करिए, और उसके बाद में आपको ये PDF मिल जाएगी। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज करके भी आप इस PDF को ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।